गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा और आज अपने बात कर रहे हैं मिश्रित फसल और अंत्यशस्य के सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले वाला टॉपिक जो है अंत्यशस्य के प्रकार वो हमारा कल हो गया था। आज अपने बात करेंगे मिश्रित फसल और अंत्यशस्य के सिद्धांत। ठीक है, तो क्या क्या सिद्धांत है, उसके करीब 8 सिद्धांत है, वन बाय वन अपने सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अपना मिश्रित फसल का चुनाव जो है वो जलवायु, भूमि और सिंचाई के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा फसल कैसे अपनाओगे जो आपके क्षेत्र की जलवायु है। सपोज आपके क्षेत्र में कोई फसल होती नहीं है, हमारी जलवायु उसे मानती नहीं है, तो वो फसल आप जलवायु अपने फसल चक्र में सम्मिलित नहीं करोगे। ठीक है, जो मिश्रित फसल चक्र है आपका, तो भूमि भी ध्यान रखें कि भूमि का पीएच क्या है, लवणीय भूमि है, क्षारीय है, अम्लीय है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और सिंचाई के साधन है या नहीं है, अगर हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है तो सूखा सहनशील फसलों को हम ले लेंगे, और अगर सिंचाई के साधन है तो फिर अपने धान वगैरह या कोई भी फसल ले सकते हैं। सेकंड आ जाता है आपका अदलहनी फसलों के साथ दलहनी फसलों का चुनाव करना। देखो, अगर आप अदलहनी फसलों के साथ दलहनी फसलों को सम्मिलित कर लोगे तो होगा क्या, दलहनी फसलें क्या करती हैं, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती हैं, यानी स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण हो जाएगा भूमि में तो ये नाइट्रोजन क्या है, अदलहनी पौधों को भी मिलेगी, अदलहनी पौधे भी इसका प्रयोग करेंगे। तो दलहनी फसलों का चुनाव करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बाजरा के साथ मूंग ले सकते हो, मक्का के साथ मूंग ले सकते हो। तो यहाँ पर बाजरा अदलहनी है और मूंग क्या है, दलहन यानी दाल वाली है। इधर मक्का अदलहन फसल है और उड़द क्या है, दलहन यानी दाल वाली फसल है। यह अपना सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड आ जाता है सीधे बढ़ने वाली फसलों के बाद फैलने वाली फसलें होना। ठीक है, एक तो है जो सीधा बढ़ती हैं, ये सीधा बढ़ेंगी ऊपर की ओर, और एक है जो फैलने वाली, दोनों तरफ से फैलेंगी। ठीक है, फैलाव किया हुआ होगा, तो ऐसी फसलें लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ज्वार है, ज्वार क्या बढ़ता है, ज्वार बिल्कुल सीधा बढ़ता है, और चवना क्या, चवना फैलता है। ठीक है, उसी तरह से बाजरा है, बाजरा बिल्कुल सीधा बढ़ता है, और ग्वार है फैलता है। ठीक है, याद रखना ग्वार एक खड़ा ग्वार भी आता है, लाठी ग्वार जिसको बोलते हैं, जैसे आरजीसी 936 के समय वो लाठी ग्वार की खड़ी रहती है, तो वो नहीं लगानी अपने को, फैलने वाली किस्में लगानी है ग्वार की, बाकी सारी किस्में। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक ही प्रकार की कीट व रोग वाली फसलें ना बोल, कोई भी दो फसलें आप ऐसी ना लगाएं कि एक ही कीट उसके अंदर लगे, दो कीट इसके अंदर भी लगे और इसके अंदर भी लगे। एग्जाम्पल के तौर पर मक्का, ज्वार, बाजरा तीनों किस्मों में तना छेदक लगता है। ठीक है, मान लो आपने मक्का और ज्वार ले लिया, दो फसलें ले ली एक जैसी, तो तना छेदक पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देगा। अगर मान लो अगर आपने एक मक्का लिया उसके साथ आपने उड़द ले लिया, तो मक्का तना छेदक को नुकसान पहुंचाएगा, उड़द को नहीं पहुंचाएगा, जिससे आपकी उड़द की फसल तो कम से कम बची रहेगी। ठीक है, तो एक ही प्रकार की कीट व रोगों वाली फसलें नहीं बोनी चाहिए। फिफ्थ है आपका गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल बोनी चाहिए। रीज़न क्या है स्टूडेंट, रीज़न ये है कि ज़्यादातर आप गहरी जड़ वाली फसलें बोते रहोगे तो आपको बार बार गहरी जुताई भी करनी पड़ेगी, और फिर पोषक तत्व है, पानी का स्तर भी है, वो भी नीचे जाता रहेगा। ठीक है, तो जैसे उथली जड़ गहरी जड़ वाली फसल है मक्का, मक्का आपने ले लिया, उसके बाद क्या करो आप उथली जड़ वाली फसल ले लो, अरहर ले लो, या मक्का के बाद आप उड़द ले सकते हो। मक्का क्या गहरी जड़ वाली है, उड़द क्या उथली जड़ वाली किस्म है, तो इस तरह से गहरी जड़ वाली फसल के बाद आपने उथली जड़ वाली फसल लेनी है या साथ में लेनी है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा मिश्रित फसलों में प्रकाश, नमी और स्थान के लिए प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिश्रित फसल के अंदर क्या है, स्थान के लिए, नमी के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने चना सरसों लिख दिया है, तो स्थान के लिए प्रतियोगिता क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई फसल है उसको एक जैसी नमी चाहिए, एक जैसा स्थान चाहिए, तो फिर क्या उनके अंदर कंपटीशन हो जाएगा, वो कंपटीशन हो जाएगा तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसी फसलें लेनी चाहिए जिसमें कोई भी प्रतियोगिता आपस में ना हो। ठीक है, अगर आपस में प्रतियोगिता होगी तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। मिश्रित फसल लेने का क्या पर्पज है अपना, मिश्रित फसल का लेने का पर्पज है कि हमारी ओवरऑल उपज ज़्यादा हो और ओवरऑल फायदा हमें ज़्यादा मिले। लेकिन दो फसलें अपने ऐसी लगा दी जो आपस में कंपटीशन करेंगी, प्रतियोगिता करेंगी, तो फिर हमें नुकसान, लाभ की बजाय नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे चना सरसों है। सेवन्थ है
पोषक संबंधी आवश्यकता एक जैसी हो, ठीक है। पोषक संबंधी आवश्यकता एक जैसी कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई पोषक तत्व है, पोषक तत्व एक एक पोषक तत्व जाती है फसल, एग्जाम्पल के तौर पर उड़द की मैं बात करूँ, उड़द और तिल की, तो दोनों फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, दोनों फसलों को एक जैसी मात्रा चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की, तो आपको अलग अलग मात्रा काउंट करने की जरूरत नहीं, एक जैसी आप मात्रा दे सकते हो, ठीक है। और मक्का कपास इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो मक्का कपास भी आप लगा सकते हो। आठवां अपना सिद्धांत है हल्की मृदा। हल्की मृदा का मतलब है जो कम उर्वरक होगी, ठीक है। हल्की मृदा में दलहन फसल को ध्यान में रखकर ही बुआई करें। हल्की मृदा जनरली कौन सी होती है, बालू मृदा को हल्की मृदा बोलते हैं, ठीक है। बालू मृदा को जनरली क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हल्की मृदा बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या दलहन फसल को लगाना चाहिए, और दलहन फसल क्या काम करेगी, क्या काम कर सकती है दलहन फसल, ठीक है। तो बाजरे के साथ अपने मोठ लगाया, मोठ क्या है, मोठ है अपना स्टूडेंट दलहन फसल है, ठीक है। मोठ किया है अपनी, मोठ दलहन फसल है। तो दलहन फसल क्या करेगी, सिंपल से है, दलहन फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगी। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से फायदा क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर होगा तो जो मृदा कम उपजाऊ है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। सेकंड बात है कि जो हरा कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा करेगी उससे भूमि में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो ये कार्बन क्या करेगा, मृदा कण को आपस में बांध के रखेगा, और मृदा कण अगर आपस में बांध के बंधे रहेंगे तो उसमें क्या है, वायु का इरोजन जो है क्षरण कम होगा, मृदा का क्षरण कम होगा। और बाजरे के साथ अगर आप मोठ लगाते हो तो ये परफेक्ट आपका मिश्रित फसल चक्कर है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे टोटल 8 सिद्धांत, ठीक है। तो सारे सिद्धांत आपको प्रॉपरली याद रखने हैं, इसके अंदर कोई भी आई थिंक मुझे लगता कोई तुम्हारा कंफ्यूजन रहा होगा, अगर तुम्हारे इसके अंदर इन 8 के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि सर एक बार रिवीजन क्लास होनी चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है हमें नहीं समझ में आया, तो भी आप बता दें, प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि स्कूल का पता नहीं है कब खुलेंगे, तो हो सकता है तुम्हारा वीडियो के माध्यम से सारा कोर्स कराएं, और स्कूल जब भी लगेंगे तुम्हारा रिवीजन और प्रैक्टिकल का वर्क होता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको प्रॉपरली समझ आ गया है, तो अपने क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।